हेलो दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं जनगणना 2011 की। ठीक है, जनगणना से संबंधित 2011 की मुख्य देखेंगे जो भी है। माल्थस ने दो सिद्धांत दिए थे। ठीक है, जनसंख्या बताया था माल्थस ने, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है बढ़ती है, और संसाधन है जो समांतर श्रेणी में। ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण का जो बताया था माल्थस ने, प्राकृतिक आपदा को जनसंख्या पैरामिड ये WM थॉमसन ने दिया था, और जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत 1929 में प्रतिपादक थे इसके WM थॉमसन, और व्यवस्थित किया था फेंक ने WNOYSTEIN 1945 में। आपको एक बात और यहाँ याद रखनी होगी, 1941 में जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं केडे स्टेल सर्वे रोमन साम्राज्य में जनसंख्या का गणना हुई थी सर्वप्रथम। कोटिल ने भी जनगणना का जिक्र किया है अर्थशास्त्र में, और अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया है। आधुनिक पद्धति की पर आधारित बात करें तो आधुनिक पद्धति स्वीडन में 1749 में जनगणना हुई थी, और दशकीय जनगणना अमेरिका में हुई थी, और जो अभी हम लोग इंग्लैंड के में 1801 की जनगणना को अपनाते हैं। ठीक, यहाँ कुछ जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी, और जनसंख्या महाविभाजक वर्ष रहा है 1921, और लघु विभाजक वर्ष रहा है 1951, और जाति आधारित गणना हुई थी भारत में 1931 में। ठीक है, अगली बात करते हैं भारत में जब सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1853 में, लेकिन ये उत्तर प्रांत में पश्चिम प्रांत में हुई थी केवल। ठीक है, पूरे भारत की बात करें तो 21 फरवरी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ये पूछा जा सकता है पूरे भारत में कब हुई थी, तो 21 फरवरी 1872 में लॉर्ड मेयो थे इस समय। और नियमित की बात करें तो 17 फरवरी 1881 में हुई थी, जो लॉर्ड रिपन थे इस समय। और भी देखते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 11 मई को जनसंख्या नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रशासनिक स्वरूप देख लेते हैं। तो जनसंख्या अनुसूची 7 में दिया गया के तहत आती है, संघ सूची का विषय है, आर्टिकल 246 में प्रावधान है, दायित्व है केंद्र सरकार का जनगणना करवाने का। जनगणना संगठन आंकड़े प्रस्तुत करता है, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। अभी बात करें तो 2011 के रहे डॉक्टर सी चंद्रमौली, और इसके फर्स्ट थे डब्ल्यू फ्लांडन आर्य गोस्वामी, भारत के थे, ये ब्रिटेन वाले थे, इंग्लैंड वाले। ठीक है, आर्य गोस्वामी भारत के थे, और 2011 वाले हैं डॉक्टर सी चंद्रमौली। अगली बात करते हैं 2011 वाली जनगणना की, तो ये 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है, और देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। इस बार का नारा रहा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, शुभंकर रहा है प्रागढ़ शिक्षिका 2011 की जनगणना का शुभंकर, और इसमें प्रश्न रहे हैं 29 प्रश्न शामिल थे 2011 की जनगणना। अब जनगणना 2011 की देख लेते हैं हम लोग। 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी 29 वर्ष। 2011 की जो जनगणना की गई थी, जो दो खंडों में हुई थी, आंकड़े अंतरिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को, और अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को, और संशोधित आंकड़े 7 जनवरी 2014 को, सेनापति मणिपुर का जिला शामिल किया गया था, तब ये संशोधित आंकड़े आए थे 7 जनवरी 2013। अब 2011 की जनगणना देखते हैं, एक जनसंख्या रही है हमारी भारत की 121,93,422, 121,01,93,422। इसमें मेल रहे हैं पुरुष 51.4,
प्रतिशत और फीमेल रहे हैं मतलब महिलाएं 48.53% और 0 से 6 आयु के 13.6% थे। विश्व में सेकंड स्थान पे अपना भारत, पहले पे चीन है। विश्व की कुल जनसंख्या भारत में निवास करती है 17.5%। नगरीय जनसंख्या 31.2% और ग्रामीण है 68.8% निवास करती है भारत में। 2011 की 1 से 11 2001 2011 के बीच 10 की वृद्धि रही है 17.7%, यानी कि 18.18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है 2001 और 2011 के बीच में। वार्षिक रही है 1.64%। आपको बता दें 2001 2011 के बीच नए जिले हुए 47 बने हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जनसंख्या के तहत जनसंख्या स्थिरता 2045 तक थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 2017 तक प्रावधान किया गया। अब कुछ मुख्य तथ्य और देखते हैं। जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य देख लेते हैं और यहाँ सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य रहे यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और सबसे कम सिक्किम मिजोरम में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं तो दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रही और लक्षद्वीप की सबसे कम। जिला की बात करें जिलाओं की, तो ठाणे महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा और सबसे कम दीवान अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम। जनसंख्या वृद्धि दर बात करें तो सर्वाधिक रही है राज्यों में मेघालय में 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26% और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रही है नागालैंड में 0.6% और दूसरे नंबर पे केरल में 0.4%। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं तो दादरा और एवं नागर हवेली की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है 55.9% और लक्षद्वीप की सबसे कम रही है केंद्र शासित प्रदेशों में 6.3%। जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो देश का जनसंख्या घनत्व रहा है 382 और राज्यों की बात करें तो राज्यों में रहा है बिहार का सबसे ज़्यादा 11,106 और पश्चिम बंगाल का रहा है 1,028 और सबसे कम रहा है राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का 17, मिजोरम का दूसरे नंबर पे 52 और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा रहा है 11,320 और अंडमान निकोबार का 46 सबसे कम, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में। अब लिंग अनुपात की बात करें तो भारत का 943 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं हम लोग। और राज्यों में बात करें तो केरल का सबसे ज़्यादा 1084, दूसरे नंबर पे तमिल है 996 और सबसे कम हरियाणा में 879, जम्मू कश्मीर में 889, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी में 1037, दमन और सबसे कम दमन द्वीप में 618। 0 से 6 आयु की बात करें तो अंडमान निकोबार अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा है लिंगनपान 972, हरियाणा में 839 सबसे कम। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान में 968, दिल्ली में 871 सबसे कम। साक्षरता की बात करें तो 2011 के अनुसार तो भारत की 73.73% इसमें मेल हैं 80.09% फीमेल हैं 64.6%। इन दोनों के महिलाओं और पुरुषों के बीच में अंतर है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। महिला पुरुषों की राजस्थान में साक्षरता 79.2% और महिलाएं 52.01%। अब राज्यों की देख लेते हैं साक्षरता, केरल में 94% और मिजोरम में 91.3%, दूसरे नंबर पर मिजोरम। सबसे कम देखते हैं तो बिहार की 61.8% और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर 65.4%। केंद्र शासित प्रदेशों की देखते हैं लक्षद्वीप 91.8% सबसे ज़्यादा है। दादरा नगर हवेली की देख लेते हैं तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में 76.2%। जिलों की बात करते हैं तो सरचीप मिजोरम की 98.7
76%, अली राजपुर की है एमपी की सबसे कम साक्षरता दर 37.22। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सातवा हमारा भारत सातवा है 2.4, ठीक है। और राज्य देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान सबसे ज़्यादा है, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी, पांचवे पे जम्मू कश्मीर, और सबसे कम है क्षेत्रफल गोवा। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है अंडमान निकोबार में, और दूसरे नंबर सबसे कम केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप। अब जनजाति की बात कर लें तो अनुसूचित जाति की बात करें तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यूपी में, और प्रतिशतता के मामले में पंजाब में सबसे कम है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा है, और प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप में 94.8% है, ठीक है। चलिए ये थे मुख्य जनगणना के पर मुख्य तत्व, परीक्षा हर परीक्षा में आते हैं लगभग लगभग 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना अच्छे से।